मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आम गोला में बीकॉम में पढ़ने वाली 24 वर्षीय छात्रा ने खुदकुशी कर ली। उसने अपने कमरे में लगे पंखे की कुंडी में दुपट्टा से फांसी का फंदा बनाकर अपनी जान दे दी। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। छात्रा की मौत की जानकारी होने पर परिजनों ने काजी मोहम्मदपुर थाने को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की जांच की, शव को फंदे से नीचे उतारा, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। फिलहाल मामले में पीड़ित पक्ष का बयान दर्ज नहीं हो सका है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित पक्ष का बयान दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार छात्रा के पिता ऑटो चलाते हैं, परिवार के साथ आमगोला में किराए के मकान में रहते हैं। छात्रा घर में अकेली थी, अन्य परिजन अपने काम पर गए थे। जब उसकी दीदी छात्रा के कमरे तक पहुंची तो पाया कि कमरा अंदर से लॉक है। काफी दरवाजा खटखटाने के बाद कोई आवाज नहीं मिली तो वह आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। स्थानीय लोगों के पहुंचने के बाद दरवाजा तोड़ा गया, जिसके बाद वह फंदे से लटकी हुई मिली। बताया जाता है कि उसकी शादी होने वाली थी, परिजन रिश्ते की तलाश में थे। छात्रा पढ़ाई पूरी कर नौकरी करने के बाद शादी करने की बात अपने परिजनों को कह रही थी। घटना के बाद छात्रा के परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। थाना अध्यक्ष दिगंबर कुमार का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है। बता दीजिए कि कैसे रूम बंद करके थी, अंदर में क्या हुआ था? सर, घर में कोई नहीं था। हम गए थे सब्जी लाने, मेरी वाइफ भी बाजार गई हुई थी, मेरा भाई भी टोटो चलाने गया हुआ था। अब इसी बीच में कैसे हो गया, और ये हमारी माँ है, माँ को नज़र आया, ये अगल बगल इकट्ठा करके फिर रूम तोड़ कर तुरंत फ़ोन किया, तो हम दौड़ते हुए आ गए सब्जी लेकर, यहीं अगुरिया चौक गए थे। अब उसको फिर लेकर सब हॉस्पिटल बैनर बाबू के यहाँ लेके गए। उसका वो कहें कि प्रसाद में ले जाते के दरमियान में ही है। घर में क्या हैंगिंग पंखा था जी? क्या करती थी श्रुति? श्रुति तैयारी कर रही थी, बीकॉम की हुई थी फर्स्ट क्लास से। जॉब उनके लिए भी जॉब की तैयारी थी, चिंतित कर रही थी। क्या बोलती थी? बोलती थी पापा जॉब नहीं हुआ है, 2 साल हो गया कि हम प्रयास करते रहो। शादी भी लगाए थे? शादी विधि का बात चल रहा था, फाइनल कहीं नहीं हुआ था, तो बोल भी रही थी कि अभी शादी उदी क्यों कीजिएगा, कहाँ से पैसा लाइएगा, हमके पैसा अभी तो शादी कर नहीं रहे हैं, अभी तो बातें चल रहा है। क्या बोल रही थी? जॉब लग जाएगा तब? हाँ, कि जॉब लग जाएगा तब कीजिएगा, पैसा जब हो जाएगा तब हमके तभी करेंगे, लेकिन अभी तो बातें चीज चलाने होगा ना, एकाएक तुरंत होगा नहीं, क्योंकि 24 साल हो चुका था। बीकॉम कहाँ से किया? यहीं से किया। जी कहाँ से, कौन कॉलेज? बीकॉम किया लोहिया कॉलेज। लोहिया। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। इनका क्या नाम था बेटी का? श्रुति रानी। श्रुति रानी जी। उम्र? उम्र 24 साल। जगह कौन है? जगह ओरिएंट क्लब। सर, क्या कार्रवाई कर रहे हैं आगे? इनको जैसे इनको बताया गया, हम लोग प्रथम निरीक्षक है, इनको द्वारा बताया जा रहा है पंखा से है, लोग भी देखे किस तरह का पाया जा रहा है, देखते इसमें जाँच पड़ताल करते हैं क्या कार्रवाई होती है, इसमें बताया आता है। हाँ, पोस्टमार्टम कवायद की जा रही है। आपको सुसाइड नोट मिला है रूम से इनके? नहीं, ऐसा हम लोग सर्च किए थे, ऐसा नहीं मिला है। मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ नहीं? अभी लोग तहकीकात कर रहे हैं। प्रथम दृष्टि क्या सुसाइड है? हाँ, ऐसा ही प्रत्येक होता है। थैंक यू।